प्रयोगशाला परिचालक की क्लास आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आयनिक यौगिक प्रायः क्या होते हैं? तो आयनिक यौगिक प्रायः ठोस होते हैं, ठीक है, याद रखना आयनिक प्रायः आपका ठोस होता है। तो टोटल हम सामान्य विज्ञान के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक दिन करेंगे, क्योंकि सामान्य विज्ञान का आपका क्वेश्चन आप पर देखेंगे तो 60 अंकों के प्रश्न पूछा जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ विज्ञान का 60 नंबर, छत्तीसगढ़ का 40 नंबर, टोटल मिलाकर आपका 100 नंबर के प्रश्न प्रयोगशाला परिचालक में पूछे जाएंगे। डेली हम आपको MCQ कराएंगे, या आपका आज का पार्ट वन वीडियो है। तो डेली अगर हम 30 दिन करते हैं तो 30 दिन का कितना हो जाएगी, अगर एक दिन का 20 क्वेश्चन करते हैं तो टोटल 30 दिन का कितना हो गया, 600 क्वेश्चन। अगर आप 600 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि 70% आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो डेली हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अवश्य कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक MCQ टोटल 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आयनिक होते हैं प्रायः ठोस होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे सहयोजी यानी कि सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक कौन सा है, यूरिया। टोटल 20 प्रश्न करेंगे। कुकुरमुत्ता नामक कवक निम्न में से किस रूप में पाया जाता है? तो जो कुकुरमुत्ता होता है, ये जो नामक जो कवक है आपका सहजीवी में, परजीवी में, मृतोपजीवी में, तीनों में पाया जाता है। किसमें? तीनों में पाया जाता है, ठीक। अब एक कोशी जीव है, आप सभी को मालूम है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको मालूम है, अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है, अगर मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप लोग आंसर दे देते हैं तो आपका तैयारी अच्छी चल रही है। एक कोशी जीव क्या है? एक कोशीय जीव, बहुकोशी जीव, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अमीबा, एंट अमीबा, ये क्या है? पैरामीशियम। ये एक कोशी जीव है, कौन सा है? एक कोशी जीव, ठीक है। एक कोशी जीव कौन सा, जो आपने पढ़ा है ना, ये पादप का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें जो वर्गीकरण होता है ना, उसमें जो मोनेरा होता है ना, वो आपको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो मोनेरा वी हेक्टर के द्वारा ये जो जगत है उसको 5 जगत में बांटा गया है, और यहाँ से एक नए क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। मोनेरा जगत, पादप जगत, जंतु जगत, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो टॉपिक भी आपको कराऊंगा कल के क्लासेस में, ये मोनेरा वाला। तो मोनेरा से इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें एक कोशी जीव, बहुकोशी जीव, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको कल में वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशी जीव का अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा, सभी, ठीक। चलिए, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक के MCQ, यहाँ पर कमेंट न करें ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक MCQ क्वेश्चन 2023 का मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पियस है। राना टिग्राना एक मेंढक का नाम होता है जी, ठीक है। और पेनियरेरा लियो किसका नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, यहाँ से वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अगर प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी खबर है, 33,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती वैकेंसी आने वाली है। कितने पद? 33,000, जिसमें सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, लाइब्रेरियन जितने भी है उसमें, साथ ही व्यायाम के भी, पहली बार व्यायाम यानी कि व्यायाम योग का भी शिक्षक आने वाला है पोस्ट, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी है ना, मतलब इंतजार कर रहे थे जो लोग शिक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे थे ना, उसका इंतजार अब खत्म हो चुका है। इसका एक वीडियो लेकर आऊँगा, है ना, शिक्षक भर्ती से कि कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, क्या सिलेबस हो सकता है, कौन कौन से पद हो सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा शिक्षक भर्ती से संबंधित, ठीक। युगलीना अपना भोजन कहाँ प्राप्त करता है जी? युगलीना जो होता है अपना भोजन कहाँ प्राप्त करता है? जो युगलीना होता है आपका पर पोषण, स्व पोषण, विषम पोषण, जो युगलीना है ये सभी में आएगा। युगलीना क्या है? पर पोषण से भी कर सकता है, स्व पोषण से भी, विषम पोषण से भी, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, ठीक। चले, अब द्विबीजपत्री नहीं है, तो द्विबीजपत्री नहीं है, देखिए बीजपत्री का मतलब समझते हो, जैसे सरसों हो गया,
चना हो गया, ये सब अंकुरित, जैसे कि ये चना, मान लीजिए चना है तो यहाँ से बीज से अंकुरित निकलता है, ठीक है, ये पौधे के रूप में अंकुरित निकलता है, यही मतलब बीज पत्री है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, द्विबीजपत्री नहीं है, ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, द्विबीजपत्री, क्योंकि मटर, मटर जो होता है मटर से बीज से जो अंकुरित निकलता है, चना से भी निकलता है, मूंग से भी निकलता है, लेकिन मक्का से नहीं निकलता, क्योंकि ये द्विबीजपत्री नहीं है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है, तो मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। ये जो मटर है, चना है, मूंग है, ये सब द्विबीजपत्री है, यानी कि बीज से अंकुरित निकलता है, पेड़ बनता है, ठीक है, जबकि मक्का नहीं है, मक्का एक बीजपत्री नहीं है, ठीक। चलिए, पीतल बना होता है, पीतल किससे बना होता है जी, आप सभी को मालूम है जो पीतल होता है तांबा का मिश्रण होता है, तांबा आपको मालूम होगा, है ना, तांबा जस्ता ये सब पढ़े होंगे ना, तो पीतल तांबा से बनता है, जिसका आंसर ए होगा, ना कि जस्ता लोहा से। निम्न में से कौन विद्युत चालक का पदार्थ है, अब विद्युत चालक बोला गया, देखिए विद्युत चालक किससे मिलता है, जब देखिए जो विद्युत होता है आपका विद्युत चालक, उसमें अम्ल पाया जाता है, खट्टा पदार्थ टाइप सा, तो कौन सा हो जाएगा आपका अम्ल, आंसर सी, ना कि कागज, ना अभ्रक, ना शुद्ध अशुद्ध जल, है ना। तो आप यहाँ से पूछेंगे तो अम्ल, अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, जबकि क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है, अगर बीच में आ जाएगा तो आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, उदासीन, ठीक। अर्धचालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है जी, डायरेक्ट पूछा गया जो अर्धचालक पदार्थ होता है उसकी जो चालकता होती है, उसको ताप बढ़ाएंगे तो उसका ताप क्या होगा जी, बढ़ने लगेगा, है ना, क्या पूछा गया, जब अर्धचालक पदार्थों की चालकता अगर ताप बढ़ाने पर या बढ़ने पर उसकी चालक क्या गया, बढ़ेगी, अगर यही आकर ताप घटने पर रहता तो क्या होता, घट जाता, ठीक है। एक बार फिर से, अर्धचालक पदार्थ की जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और डेली यानी कि कंटिन्यू आप क्लास अटेंड कीजिएगा, ये आपका पार्ट वन वीडियो है, डेली आपका पार्ट 30 यानी कि 30 दिन का क्रैश कोर्स है सामान्य विज्ञान का, ठीक है, जितने भी बनेंगे, चाहे वो आपका थ्योरी हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे टेस्ट हो, ठीक। निम्न में से कौन सा अर्धचालक पदार्थ नहीं है, तो चलिए आप लोग बताइएगा कौन सा जो अर्धचालक पदार्थ नहीं है, कागज, अम्ल, मानव शरीर, सिलिकॉन। तो ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो अर्धचालक पदार्थ नहीं है, तो कागज तो अर्धचालक नहीं है, अम्ल भी नहीं है, मानव शरीर भी नहीं है, पदार्थ पूछा गया है ना, तो सिलिकॉन क्या है आपका, अर्धचालक है, ठीक। प्राथमिक सेल में निम्न में से क्या होता है, चलिए बताइए कमेंट करके, जो प्राथमिक सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा को विद्युत, ये ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये जो विद्युत है, रासायनिक है ना, इसका बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। हाँ, प्राथमिक, हाँ, अब देखिए, अब फिजिक्स की बात करें, उसमें न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ये सब आपको मैं कराऊँगा भाई, धैर्य रखिए, है ना, 30 दिन बचा हुआ जी है, तो पार्ट वन वीडियो है, मैं क्या बोला था आपको, थ्योरी भी बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा, टेस्ट भी रहेगा, ठीक। मेंबरशिप क्लास करना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब के जो बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कीजिए, या फिर इस प्रकार का सिंबल दिख रहा होगा उसको क्लिक करोगे इसको, तो आपको 40 रुपये पैड करना पड़ेगा जी, 40 रुपये, ठीक है, तभी आपको मिलेगी, ठीक, डेली आपको, और आपका नाम भी लिखिएगा, ठीक है। अगर आप जैसे कमेंट करते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में जो ज्वाइन बटन रहेगा या फिर इस प्रकार का डॉलर का रहेगा, अगर उसको क्लिक करते हैं तो उसको आपको 40 रुपये 80 रुपये इस प्रकार का रहेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम अवश्य लिखिएगा कमेंट में, ठीक है। अगर ज्वाइन बटन करते हैं तो वहाँ पर मेंबरशिप मिलेगा, क्रैश कोर्स, ठीक। अन्यथा यूट्यूब पर तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हर चीज़ मैं फ्री नहीं दूंगा ना, हाँ, इतना मेहनत से हम लोग करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जो हमारे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास आती है उनको आप लोग लाइक कीजिएगा, है ना, बिल्कुल फ्री है तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप डेली कंटिन्यू करते हैं, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, निखर कर आपके सामने आएगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप एग्ज़ाम में ऐसी तुक्का फटाफट लगाओगे, ठीक।
टार्च में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है सभी को मालूम हो जाए। जो टार्च होता है आपने पढ़ा है सातवीं की क्लास में या नौवीं की क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेल से सेल का जो प्रकार होता है ना, तो ये जो टार्च में डाला जाता है जो इस प्रकार टार्च रहता है, ठीक है, टार्च जो फोकस करते हैं इसमें छोटा वाला जो पुराना वाला टार्च रहता है, इस प्रकार बटन रहता है ना, और इस प्रकार रस्सी लगा रहता है, ठीक। नहीं समझ पा रहे क्या टार्च में किस प्रकार जो टार्च मान लीजिएगा इस प्रकार का जो टार्च आता होगा, ठीक है, ये सेला सेला अंदर में रहता है, ठीक है, इस प्रकार रस्सी रहता है, यहाँ फोकस रहता है, इधर इधर है ना, ये टार्च मान लीजिएगा। तो टार्च किस प्रकार का है, तो प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है ना कि द्वितीयक का, ठीक, प्राथमिक आएगा। वोल्टी सेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया है, तो वोल्टी सेल जल्दी से बताइएगा क्या होगा, वोल्टी सेल जो वोल्टी सेल है ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा, मैंने आपको कहा था 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक। 1799 जो वोल्टी सेल है आपका 1799, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, अगर आप प्रयोगशाला परिचालक करेंगे उसी के लिए क्लास है, ठीक। घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले बल्ब कितने वोल्ट पर जलते हैं, अगर आप घरेलू जैसे घर में अगर बल्ब जलाते हो, ठीक है, तो कौन से वाले बल्ब कितना वोल्ट जलता है, 320 220 120 या 440 वोल्ट, चलिए बताइए कमेंट करके। देखिए घरेलू पूछा ना 220 वोल्ट, बिल्कुल सही, जितने लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल सही है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है, चलिए बताइए, कोई वस्तु है उनके जड़त्व का कारण क्या होगा, द्रव्यमान और वेग, जो द्रव्यमान होगा वेग होगा वही है, ठीक है। क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, चलिए बताइएगा क्रोमेटिन जाल किसमें पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना क्या है, सभी को मालूम है सबसे बड़ा कोशिकीय संरचना केंद्रक, माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड या राइबोसोम क्या होगा, इसका आंसर ए केंद्रक, ठीक। हरित लवक कहाँ जाता है, हरित लवक क्या आएगा जी जल्दी से बताइए, हरित लवक कहाँ पाया जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इतना सरल आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं नौवीं से बारहवीं तक, है ना, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऊर्जा घर किसे कहता है, ऊर्जा घर एग्जाम में पूछा है अभी 2022 की जो एग्जाम में हुआ था अभी, उसमें विज्ञान के जो क्वेश्चन आया था ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, माइटोकांड्रिया, ठीक, कोशिका का पावर हाउस माइटोकांड्रिया को कहा जाता है और माइटोकांड्रिया को ही ऊर्जा घर कहा जाता है, और रसोई घर किसको कहा जाता है, हरित लवक को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए, इनमें से कौन सी एक कोशिका नहीं है, अभी आपको पहले ही बताते, कोशिका की क्लास मैंने पढ़ा दिया है ना, चाहो तो आप प्लेलिस्ट पर जाके आप हमारे चेक कर सकते हो, ठीक। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा, हाँ अगर वीडियो में लाइक नहीं करते तो देखिए मैं आपको पहले बताया था अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, जितना ज़्यादा वीडियो में लाइक आएगा उतना ज़्यादा हमारा परफॉर्मेंस आपको निखर कर सामने आएगा, मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम, इनमें कौन सी कोशिका नहीं है, फ्लोएम, जबकि फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, मास्ट, ये सभी कोशिका हैं, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और भी ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं।